हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो आज का व्लॉग भी स्पेशल है क्योंकि आज हम फिर से खरीदी करने जा रहे हैं। मम्मी क्या खरीद रहे हैं? इतना थोड़ा खुश के बोलो। अमेलिया नहीं है। अच्छा, तो क्या है, हमारा फ्रिज बहुत खराब हो चुका है, हम उसकी हालत दिखाते हैं। ये हमारा पुराना फ्रिज जो चलना बंद हो चुका है बिल्कुल। हमने इसका कंप्रेसर खराब हो चुका है, इसलिए अब ये ठीक होने की हालत में नहीं है। इसने काफी साल दस बारी ठीक करा चुके हैं और 10 साल भी हो गए इसको। अब फाइनल तो फिर हम निकल रहे हैं। फाइनली पापा को इतना बोल बोल के अब उठवा दिया है कि चलो लेने चलें। तो आपको कैसा लग रहा है मम्मी? अभी तक तो अच्छा लग रहा है, फील नहीं हो रहा, मतलब कि हम खरीद भी अभी जब हम ले लेंगे तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा हमारा। चलो ठीक है, इसी के साथ हम फटाफट चलते हैं फ्रिज की दुकान पे, मिलते हैं अब सीधा। चलो आ गए हम, और फ्रिज ही फ्रिज है, यहाँ पे बहुत बड़ी दुकान है भाई साहब। फ्रिज लेते लेते हम सोफे पे आ गए गाइस। मम्मी सोफा ले रहे हो? हाँ, सोफा। फ्रिज की वैरायटियाँ ही 4-5 फ्रिज रखे हैं इसमें। धोखा हुआ है हमारे साथ। गिलास तो बड़े अच्छे हैं तो भाई साहब। ठीक है भाई, फ्रिज देख देख के हम कहाँ आ गए। क्या लेना है फिर? डब्बो पे आ गए। धीरे धीरे हम देखना है, कादे कटोरी कटोरी पे लेके जाएंगे। बॉटले, ये ना फैक्ट्री का जो माल हो जाए, थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है, वो सब यहाँ पे आते हैं। क्यों मम्मी? जारा की। अब इसमें क्या खराबी है? हमारा इसलिए हमारा पॉपअप हो गया। क्या रेट है? कितना लिखा है? कहाँ लिखा है? तो 7,000 लेनी है? हाँ। फ्रिज फिर से जूतों पे आ गए। फाइनली मम्मी जूते खाऊं कि जूते मार दो खिला दो? फ्रिज के खाने की कोई बात नहीं। फास्टेस्ट शॉपिंग हमने कर ली। या हमारा दिल इतना खुश बाग बाग हो गया। मम्मी तो बहुत ही खुश है फ्रिज लेके, और आपने देखा हमने कितना फ्रिज लिया। क्यों बहुत ज्यादा? मैं कह रही हूँ इतने डोर थे फ्रिज में कि खोलते खोलते मैं थक गई। अभी कहाँ जा रहे हैं? वापस कहाँ जा रहे हैं? अभी दूसरी दुकान चलते हैं ना, ले ही आते हैं फ्रिज। है? अच्छी शॉपिंग करके अब हम वापस जा रहे हैं। मैंने तो पहले ही देखा था इतनी बड़ी दुकान में से लोग केतलियां लेके निकल रहे थे हमारे पे, क्या ही है। मम्मी की बात सच हुई और हम भी गाड़ी में बैठते हैं। मुझे अभी फ्रिज लेके निकल के, वो भी विजय सेल से। अभी मतलब अभी मुझे नहीं मालूम, तो खाने नहीं बनाओगे तुम? बिना भूखे रहना सारे के सारे। खाना नहीं बनाओगे? ना, वैसे दाल बनी है। अरे यही तो नहीं बोलना था। तो गाइस मम्मी पापा ने हमें छोड़ दिया कि मैं बहुत थक गया था, आज नगर कीर्तन था, उसका शॉट आ गया होगा अभी तक। तो मेरे वजह पाजी जा रहा है यहीं पास वाली विजय सेल्स में। तो अब आगे का व्लॉग वो शूट करेगा, तब तक मैं चलता हूँ। बाय। तो गाइस वेलकम बैक, तो मैं हूँ आपका नया होस्ट एंड दोस्त। तो भाई अभी आप जैसे आपको पता ही है कि हम वॉशिंग मशीन लेने जा ही रहे थे, और वहाँ पे जाके देख के आए सारा कूड़ा खड़ा। मैं तो बोल ही रहा था, तभी मैं नहीं गया था, मेरे को पता ही था कि ऐसे बेकार चीज कहते हैं। तो अभी मैं आ गया विजय सेल्स पे, यहाँ पे देखते हैं हम क्या ले रहे हैं। मैंने इनको बोला ही था कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, बट ये माने नहीं। बट अभी हम जाते हैं, मम्मी पापा ऊपर ही, तो फटाफट देखते हैं क्या देख रहे हैं वो लोग, देखते हैं क्या ले रहे हैं ये लोग। भाई ये ना इसमें बंदा मार के रखते हैं। इसमें कलर नहीं है कोई? यही है कलर। तो भाई ले लिया करूं, 5,000 रुपए लाया, 12,000 दे देने, बाकी एक और दो किस्त अगर बना लेंगे। पहले देखो ना, डेबिट कार्ड से कर देंगे वो। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? फ्रिज ले लिया आपने, आपका न्यू फ्रिज बहुत ज्यादा बड़ा। कौन सा वाला लिया? ये वाला था? क्या कुछ दिया? ये वाला है सर, ये वाला है। 28,000 ये वाला लिया हमने, अच्छा लग रहा है। और क्या? कन्वर्टेबल। आपके चक्कर में मैं भूल गया भाई। तो पापा, तो भाई मजा आ रहा भाई।
हमें ज्यादा ही महीने में एक दो चाहिए, आठ महीने मिनिमम लेते आठ। हम तो मम्मी को फ्री गिफ्ट भी होना चाहिए साथ में, इतनी महंगी मशीन दी है भाई। फ्री गिफ्ट छोड़ो, आपको कॉस्ट ही हमें करवा रहे हैं, जीरो कॉस्ट। अब वो देखो ये तो भाई यहाँ पे घेड़ी बहुत है, ये तो थोड़ी शाइनेस सी हो रही है। वैक्यूम क्लीनर कहते हैं इसे, रोबोट है। यहाँ पे क्या हो गया? दाना हो गया, डस्ट वर्क से हो गया होगा, पूछ के बताता हूँ, फोन करूंगा। क्या देखना? आओ ना फिर। क्या है? सुनिए तुम। कितने था? 13 था क्या? 12,500 2,000 वही 11,000 रुपये होगा। कहाँ तो ये 15,000 इतने का और इतने का हो रहा है तो ऑफ है ना ये। तो यही तो कह रही हूँ मैं। ओ भाई साहब, रोगन पे ऐसा कुछ बनाते भी तो नहीं है ना। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, पिज्जा बनाएंगे इस पे। बन गया पिज्जा तेरा? बन जाएगा भाई, तवे पे बनाएगा। रहने दो तवा, इतना महंगा पिज्जा खा के हमने कभी खाता है? फिर एक दिन थोड़ा ना खाना, फिर तो रोज खाएंगे ना पिज्जा खाएंगे यार। ये कितने का है? 5,000 11,000 लेके 6,000 ये करके। अच्छा डिस्काउंट करके 6,000 रुपए का कुत्ता ले लो। बोलो पापा को, 6,000 3,000 का लिया था पता। क्या 3,000 का लिया था बुआ ने? कौन सी बुआ? छोटी 3,000 का लिया था। फिर हम इसको नहीं लेते, बुआ को पूछो कहाँ से लिया था, वहीं चले। यार हम फिर ले भी तो फिर देखो ना, फिर हेल्दी कन्वर्टिंग ओवन। कौन सी? ये क्या स्टीम स्टाइल भाई? 10,000 रुपए का ये क्या इन्होंने दे दिया? रहने दो, 10,000 रुपए की चीज देगा ये है क्या चीज? पलट नहीं गया, फोटो में जरा मैं देखू, ठीक से पकड़ा। उसकी मुंडी मुंडी बंद निकाल दी गई। ये मैंने लगा ना प्रेस वाला कुछ है, शावर पागल प्रेस है, शावर नहीं है। वैक्यूम क्लीनर तो? अबे यार वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम कैसे होएगा? ये देखिए स्टीम प्रेस है ये देख। अच्छा लिंट से हटाने के लिए तो नहीं है ऐसे? हाँ वो हटाने के लिए तो नहीं है, बहुत बुरा है। ना ना इतना भी कुछ नहीं है। फोन ढंग से पकड़ो, शक्ल तो दिखा लो, पीछे वजह दिखा के रखे। 10,000 रुपए का स्टीम प्रेस, हम 10 रुपए की बाहर से करवाते हैं। मैंने तो बोला कि ये मैं कुछ। हाँ वो 3,000 रुपए की चीज आपको फ्री देगा। तूने देने चाहिए? हाँ अभी देता है वो, उसको 30,000 रुपए लेगा फिर। तो फिर वही तो बात होगी ना, अपना नया। तो गाइस से जा चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, अभी खुलेगा तो और अच्छा लगेगा। कट कर देना अभी, चलो मैं लाइटिंग चेंज करो। वो वाली ट्यूब बंद कर दे। अनी तो दे मेरी गैस की फोटो भी आ जाएगी। दोबारा वो इधर नहीं करते हैं। रमन को हमने दिहाड़ी पर रखा हुआ है, इसको कितने मिले?
निकालो निकालो बस। आ गया फ्रिज ने दारू पी रही है। पैक पैक नहीं होगा अब। है तो नहीं टेंट कहीं वो वाइट वाइट वो हट जाएगा वो तो कपड़ा ये रहा था। इसको तीन से चार घंटे बाद चलाना है। ठीक जितना लेट चला होगा उतना ठीक। अच्छा ठीक है ऐसे कल चला लेते हैं फिर। सही है सर कंप्रेसर में सही रहता है ना ऐसे गैस ऊपर नीचे हो जाता है जब चलाया ऊपर नीचे उठा के ना तो उठा ऐसा होता है ना सर ये गाड़ी में आती है। अच्छा तो हमारे इधर से एक्चुअली से आती है। के साथ हमारा नया फ्रिज इन द हाउस। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। स्मार्ट नजर लाने के हाय। फिर मम्मी खुश हो? आया नहीं फिर से पहले वाली ऐसी नहीं आई ना। तो गाइस इसी के साथ आपने देखा हमारा नया फ्रिज आ चुका है और मम्मी बहुत खुश है। मम्मी इतने टाइम से कह रही थी फाइनली आ गया है नया नया फ्रिज। तो हम प्रे करते हैं कि हमारे सारा साल साथ थे 10 साल तो लिखे हैं और भी दे। तो चलो इसी के साथ हम देखते हैं अब क्या क्या फीचर है इसमें और आप हमारे ब्लॉग से ऐसे ही प्यार देते रहना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट टाटा बाय बाय।